सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। प्रधान जी बताइए आपके साथ क्या हुआ है। कल शाम 9 बजे करीब मेरे ग्राम के कोटेदार अभिनंदन सिंह यादव जो है करीब दमफल में 18 क्विंटल चावल गेहूं कालाबाजारी के लिए ले जा रहा था। मुझे ग्रामवासियों ने सूचना दी, मैं वहां पर रास्ते में पहुंचा तो मैंने दमफल रुकवा करके मैंने जैसे तैसे चाबी खींची दमफल की और जो है गाड़ी रुकवाई और SDM महोदय को फोन किया। इतने में वो सभी लोग पूरा परिवार कोटेदार का लाठी डंडा बंदूक लेकर के आकर के और साथ में ट्रैक्टर लाए डंफर से माल उतारने लगे कि जब माल नहीं रहेगा तो कहाँ से कोई पकड़ पाएगा। इस कारण से मुझे उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर मारा, मैं बाल बाल बचा। बचने के कारण इतने ही में थोड़ी ही देर बाद में SDM महोदय आए और सारा माल उन्होंने अपने कब्जे में लिया। थोड़ी ही देर बाद थाना अध्यक्ष और सप्लाई इंस्पेक्टर 100 नंबर सभी उपस्थित हुए। अच्छा, कोटेदार का नाम क्या है? अभिनंदन सिंह यादव जी। कब से कोटेदार है? ये करीब 17 साल से कोटेदार है, बराबर 17 ही साल से बराबर कालाबाजारी करता चला आ रहा है और एक बार गबन का मुकदमा इसको पहले लग चुका है, पहले भी कालाबाजारी में पकड़ा गया है 2002 में और जेल भी गया है 420 में और जब से फिर बराबर वही कार्य करता चला रहा है। अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा कार्य होता रहा है। आपको सूचना कैसे मिली? मुझे गांव द्वारा सूचना मिली कि जो है डंपर में माल कोटेदार के घर से डंपर में माल लोड होकर के जा रहा है। आपने प्रेजेंट में देखा माल? मैंने देखा और थाना अध्यक्ष ने और जो है SDM महोदय ने माल को तत्काल सीज किया, मेरे सामने जा करके थाने में रखवाया। अच्छा, आपके पास कोई मतलब वहाँ पर कोई पहुँचा वहाँ देखने के लिए माल? माल सभी अधिकारीगण पहुँचे, SDM महोदय ने तो पहले नंबर नाम लेते कब्जे में लिया माल, इसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएं।